हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट और आज है इसकी फिफ्थ क्लास। पहले देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों देखो, अभी तक हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देख लिया, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फिर हमने देखे थे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, चार फंक्शंस थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, प्राइस डिस्कवरी, इसके अलावा था रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, और चौथा था हमारा प्रोवाइड लिक्विडिटी। फिर था मनी मार्केट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या था, शॉर्ट टर्म एक साल से कम वाला। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हमने पांच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे अगर आपको याद आ रहे हो तो। पहला कौन सा था हमारा, कॉल मनी। दूसरा माना क्या था, कमर्शियल पेपर। तीसरा क्या था हमारा, कमर्शियल बिल। चौथा क्या था हमारा, ट्रेजरी बिल। और पांचवा क्या था हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सीरियल ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सीरियल ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर हमने देखा था प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है क्रिएशन, मतलब ये कि यहाँ पर पहली बार सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, हमने पांच मेथड देखे थे। सबसे पहला था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसमें हम डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं। दूसरा था हमारा ऑफर फॉर सेल, जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट्स के थ्रू इनडायरेक्टली पब्लिक को सेल करते हैं। तीसरा था हमारा राइट इशू, जिसका मतलब ये था कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार देते हैं कि पहले आप खरीद लो, और आप नहीं खरीदोगे तो हम बाहर बेचेंगे। फोर्थ था हमारा क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या था कि आप शार्क टैंक वाला हिसाब है, आप प्राइवेट लोगों के पास जाते हो, बड़े लोगों के पास जाते हो, बड़ी कंपनी के पास जाते हो पैसा रेस करने के लिए। और पांचवा था हमारा EIPO, इलेक्ट्रॉनिकली जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो उसे हम EIPO बुलाते हैं। तो ये सारा चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक नंबर 8, कैपिटल मार्केट, वो भी कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट थे ना, एक प्राइमरी था दूसरा सेकेंडरी था। प्राइमरी देख लिया, आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए बच्चों सीधा उसकी तरफ ही जंप करते हैं। आपको मैं दिखाता चलूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए। ये पेज हमारा पूरा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकेंडरी मार्केट से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार मैं फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बताऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। क्रिएशन का मतलब हमको पता लग गया, जब पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है वो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। दूसरा होता है ना एक्सचेंज, सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो ध्यान रखना बच्चों, जो एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो इसलिए इसका नाम और क्या पड़ गया हमारा, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? और क्या लिखा हुआ है जरा गौर से पढ़ो, इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो थ्री मारी डेफिनेशन, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो एक्सचेंज यहाँ पर होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, और क्रिएशन कहाँ होता है हमारा, प्राइमरी मार्केट के अंदर। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, बहुत ही सिंपल सा था। आगे क्या दे रखा है, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड क्लियर एंड सेटल्ड विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अब ये सेबी क्या है बच्चों, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है सेबी के नाम से, जो इनकी निगरानी रखता है। जैसे बैंकों की निगरानी रखने के लिए कौन है, RBI है ना, तो वैसे ही सेम टू सेम स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को लेके, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की फंक्शनिंग को लेके जो भी ऊपर अथॉरिटी है वो कौन है, हमारी सेबी। तो सेबी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमारे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल्स। इन्होंने बस ये बोला कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम स्टॉक एक्सचेंज में कहीं से भी, भारत में कहीं से भी खरीद और बेच सकते हैं थ्रू टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब होता है कंप्यूटर्स के थ्रू, हम कहीं से भी इंडिया में से, वर्ल्ड में कहीं से भी हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हैज ऑल्सो ग्रोन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। टाइम पास वाली बात बोलिए कि लास्ट 10 साल के अंदर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी भी ग्रो कर गया है। इररेलेवेंट, इतना हमको पता लग गया, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट ही होता है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज ही होता है। क्लियर? ओके,
अब बच्चों बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। क्या प्लेटफॉर्म देता है? बाय करने का, सेल करने का, किस चीज का? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का। जैसे amazon.com है, वहां पर एक सेलर होता है जो अपना सामान लिस्ट करता है और आप बायर होते हो, वहां से जाके सामान खरीदते हो, यही तो चीज होती है। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्लेटफॉर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर सेलर सिक्योरिटीज बेचने के लिए आते हैं और बायर सिक्योरिटीज खरीदने के लिए आते हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इनका अपना एक ऑफिस है, अपनी एक बिल्डिंग है और एप्लीकेशन के थ्रू आप खरीदते बेचते हो क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो क्या लिखा हुआ? स्टॉक एक्सचेंज इज अ इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। एज अ मार्केट स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना। स्टॉक एक्सचेंज किस चीज में मदद करता है? एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। मतलब ये अगर आपके पास सिक्योरिटीज हैं तो उसको बेच के आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपके पास पैसा है तो पैसे को खर्च करके सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। ये स्टॉक एक्सचेंज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स कंपनी टू रेज फाइनेंस। ये कंपनी को किस चीज में मदद करता है? मार्केट से पैसा उठाने में। प्रोवाइड लिक्विडिटी, उनको कैश प्रोवाइड करता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स। ये स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज होता है, हम जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे पैसों की सेफ्टी रखता है, क्योंकि यहाँ पर है ना डेली पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हल्की सी भी घपलेबाजी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे पैसों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और क्रेडिट वर्दीनेस को इम्प्रूव करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ भाई तुम पैसे देने लायक बंदे हो या नहीं उधार पर, समझ रहे हो, ये चीज है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज खरीद बेच सकते हो। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो थी हमारी जनरल डेफिनेशन। एक्चुअल में जो कानूनी डेफिनेशन है वो कहां दे रखी है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ध्यान रखना बच्चों, ये वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, अब तो ये सीयूईटी में भी आ सकता है। ध्यान रखना सीयूईटी में 12th क्लास के एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का ही पार्ट दे रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज की एक्चुअल में डेफिनेशन कहां दे रखी है, तो आपको बताना पड़ेगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। और ये डेफिनेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, आई रिपीट, रटी हुई होनी चाहिए, कानून की डेफिनेशन एज इट इज बोलनी पड़ती है। क्या है डेफिनेशन? स्टॉक एक्सचेंज मींस any body of individuals whether incorporated not constitute for the purpose of assisting regulating controlling the business of buying and selling or dealing in securities। time pass wali baat likhi hui hai ki stock exchange kyon banaya gaya hai? assist karne ke liye, regulate rules and regulations banane ke liye, control karne ke liye, kis cheez ka? securities mein aap kisi bhi tarike se deal kar rahe ho, buy kar rahe ho, khareed rahe ho, aise maukon ke liye jo रेगुलेटरी बॉडी है, जो असिस्टिंग बॉडी है या फिर जो कंट्रोलिंग बॉडी है, वो क्या है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपको ये चीज क्लियर है? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, रटना है और कुछ नहीं करना, लॉजिक हम समझ चुके हैं विदाउट। ओके, अब बच्चों बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है। आई रिपीट, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? अब देखो, इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। फाइनेंशियल मार्केट के हमको चार फंक्शन याद है। पहला क्या था? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। हम सेवर्स हाउसहोल्ड से पैसा लेते हैं और कहां दे देते हैं? इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। दूसरा क्या था हमारा? प्राइस डिस्कवरी, डिमांड और सप्लाई से हम फाइनेंशियल एसेट के प्राइस पता लगा लेते हैं और उसी से हम ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा क्या था? रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हमारा टाइम, एफर्ट, मनी सब सेव होता है। और फोर्थ क्या था? प्रोवाइड लिक्विडिटी, मतलब इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश। फाइनेंशियल मार्केट के हमारे फंक्शन रिवाइज हो गए ना, और फाइनेंशियल मार्केट का ही तो पार्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब ये चार जो फंक्शन है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी फिट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गया? कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फिट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों एक एक करके फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या देखा है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है या फिर जो सेकेंडरी मार्केट है, आपकी सिक्योरिटीज को बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है। दूसरा क्या लिखा हुआ? मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक मार्केट देता है जहां पर आप सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो या फिर आप सिक्योरिटीज को बेच सकते हो। तो क्या है ये? मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, बाजार आपको प्रोवाइड कराता है जहां पर आप बेच सको या फिर जहां से आप खरीद सको।
तो लिक्विडिटी का पता लग गया, इजी कन्वर्टेबल टू कैश, प्लस आपको मार्केट भी प्रोवाइड करता है जहां पर आप खरीद और बेच सकते हो। क्लियर? कोई भी डाउट? फाइनेंशियल मार्केट में था सिर्फ क्या कहते हैं प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, लेकिन यहाँ पे मार्केटेबिलिटी भी है क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट भी दिया जा रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। रीड करते हैं, द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये तुमको पता है खरीदना बेचने वाला होता है। इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। मतलब ये एज अ इन्वेस्टर हमको मौका देता है, हम पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और पैसे को बाहर निकाल भी सकते हैं। जैसे मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं शेयर्स खरीदूंगा, पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं उन्हीं सिक्योरिटीज को बेच सकते पैसा अपना डिस इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मतलब पैसा वापस भी बाहर निकाल सकता हूँ। दे बोथ प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो ये आपको लिक्विडिटी मतलब इजिली कैश में कन्वर्ट कर देते हैं और मार्केटेबिलिटी मतलब मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम आमतौर पर खरीद और बेच सकें। देखो बच्चों अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखा बच्चों, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये चीज तो जो फाइनेंशियल मार्केट में था ना बच्चों फंक्शन है वही सेम प्राइस डिस्कवरी। मतलब ये शेयर की प्राइसेस, डिबेंचर्स के प्राइसेस, बॉन्ड्स के प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डिटरमाइन होते हैं, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई जब एक्सचेंज होते हैं तब जाकर हमारा जो प्राइस होता है शेयर का वो डिसाइड हो जाता है और फिर उसी पर हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस ऊपर जाएगा और जितनी कम डिमांड होगी प्राइस उतना ही नीचे जाएगा। रीड करते हैं, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू विच द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड। मतलब कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, दिन में हर सेकेंड प्राइस बदलता है बच्चों। कभी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस देखना, ठीक है, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ग्रो ऐप है हमारे पास, अपस्टॉक की ऐप है, जीरोधा की ऐप है, मनी कंट्रोल है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। प्राइसेस हर सेकंड फ्लक्चुएट करते हैं, हर सेकंड, तो कॉन्स्टेंटली वैल्यू करता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सच वैल्यूएशन प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। और ये जो कंटिन्यूसली बदलता रहता है ये सारे बायर्स को पता होता है, सारे सेलर्स को पता होता है और फिर वो उसी प्राइस पर शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो दो फंक्शन पढ़ लिए, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी और दूसरा प्राइस। तीसरा जो हमको पॉइंट दे रखा है बच्चों वो क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों स्टॉक एक्सचेंज के, आप स्टॉक एक्सचेंज में एक बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये अमेज़न नहीं है जहां पर डायरेक्टली जाके खरीदने आ जाओगे और ना ही वो बेचने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रोकर्स के थ्रू डील करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो कि सेबी से गाइडलाइन लेके काम करते हैं, सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप उनके थ्रू सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हो, ठीक है, ये आपको चीज समझ में आई। ओके, और दूसरी चीज ये, क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट इनके नॉर्म्स होते हैं, क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपके पैसे को सेफ कर सके, किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना हो। क्योंकि रोजाना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस रोज के इधर उधर होते हैं, तो ऐसे में सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन रखना अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। आपको ये चीज क्लियर हो रही है, एक बार रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड। मेंबरशिप किसको मिलती है, सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स को मिलती है। And its dealing are well defined. और ध्यान रखना जो मैंने बताया था, जो भी rules and regulations आपको follow ही करने पड़ते हैं according to the existing legal framework. जो भी rules and regulations, जो भी laws हैं, उसके according आपकी जो dealings होती हैं, वो well fixed हैं. This ensure that investing public get a safe and fair deal on the market. और इस चीज से बस ये ensure हो जाता है कि यहाँ पे आपको एक सही deal मिल रही है, आपके साथ कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है। क्या कोई ये चीज क्लियर है? बहुत बेसिक सी चीज थी, इसमें अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो तीन फंक्शन हो गया, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, दूसरा प्राइस और तीसरा हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। फोर्थ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या पॉइंट है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो इसके अंदर इन्होंने एक चीज लिखी हुई है, हम क्या करते हैं शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, यही तो चीज करते हैं। हम खरीद रहे तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के पास पैसा जा रहा है, ठीक है, हम बेच रहे तो किसी से पैसा आ रहा है, लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, लोग मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं, बिजनेसेस में लगा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, क्या हो रहा है, इन शॉर्ट हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। ग्रो भी कैसे कर रही है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में।
क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिस इन्वेस्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सब कुछ होता है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो में भी हेल्प करता है। रीड करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ बच्चों? अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। ठीक है, ये चीज तो हमको पता ही है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, क्या लिखा हुआ? डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब बेच के पैसा निकाल लिया, री इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा वापस लगा लिया। तो ये क्या होता है? सेविंग्स गेट चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। वही चीज, एलोकेशन हो गया, यहां से पैसा मार्केट के अंदर आया और यहां कहां लग गया? बेस्ट पॉसिबल यूज पे लग गया। इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन वगैरह होता है, सेल्स वगैरह होती है और जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाती है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। फिफ्थ फंक्शन क्या दे रखा है? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इसका मीनिंग क्या है? हेडिंग बड़ी डीप सी, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, मतलब क्या, जरा समझते हैं। देखो बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज का ये फंक्शन होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टर्स को अवेयर करें कि आप शेयर्स खरीदे, आप इक्विटी शेयर्स खरीदे, आप कंपनी में ओनरशिप ले, आप डिबेंचर्स वगैरह न ले, आप क्या ले? इक्विटी में पैसा लगाएं, आप ओनरशिप में हिस्सा ले। इससे, इसको करने के लिए वो हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, उनको मार्केट के रिस्क वगैरह सब कुछ समझाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कोशिश करता है कि आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करें, परमानेंट कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो और आपके पास भी क्या है, ओनरशिप आए। रीड करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द स्टॉक एक्सचेंज प्ले कैन प्ले अ वाइडर रोल इन एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप। रखना किस चीज में एंश्योर करता है? वाइडर शेयर ओनरशिप, शेयर में लोग ज्यादा पैसा लगाए और ओनरशिप रहे। बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, ठीक है, जिससे नए जो भी शेयर इश्यू होते हैं। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छे तरीके से शेयर्स को हम खरीद रहे और बेच रहे हैं, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम ईज हो जाए, हर कोई शेयर्स को खरीदना और बेचना चालू कर दे। एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। आजकल आप एड्स वगैरह देखते होंगे ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये वाली एड आती है। ग्रोथ एक ही कह पाती है कि ये मार्केट सबका है बॉस, आती नहीं एड कि ग्रोथ ये मार्केट सबका है। यहाँ पर सूट बूट वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर निक्कर पहनने वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है? हम इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो मार्केट में पैसा लगाए, ओनरशिप में पैसा लगाए और इक्विटी को स्प्रेड करें। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। और बच्चों लास्ट फंक्शन आज की क्लास का और आज के लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। बच्चों स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी मतलब, ये सट्टेबाजी का मतलब होता है कि आप प्रेडिक्ट करते हो, आई रिपीट, आप प्रेडिक्ट करते हो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे क्रिकेट में नहीं होता, ड्रीम इलेवन टीम बनाओ, कौन खेलेगा कौन आउट हो जाएगा। सट्टेबाजी में क्या होता है कि हाँ भाई अगली बॉल पे चौका, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा वो सारा। तो ये हाँ कुछ हद तक विद लिमिटेड कंट्रोल, विद लिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ये आपको स्पेकुलेशन करना अलाउ करता है, लेकिन लिमिटेड, ज्यादा नहीं। ज्यादा करोगे तो वही है कि इलीगल और लीगल में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये लीगली आपको कुछ लिमिट देता है कि हाँ आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, जो कि एक फेयर स्पेकुलेशन है, हद से ज्यादा स्पेकुलेशन अलाउ नहीं करता है। क्लियर? एक बार रीड करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स सफिशियंट स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। ध्यान रखना, ये सट्टेबाजी फुल तरीके से अलाउ नहीं करता है, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही अलाउ करता है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी। ध्यान रखना, एक कि हेल्दी फ्लर्टिंग इज अलाउड है, फ्लर्टिंग अच्छी नहीं लगती, हेल्दी फ्लर्टिंग अच्छी लगती है। तो वैसे ही हेल्दी मैनर में स्पेकुलेशन किया जाए तो अलाउड है, जिससे लोग लिक्विडिटी और प्राइस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या बिल्कुल ही ज्यादा कर दोगे तो प्राइस बहुत गंदी तरीके से फ्लक्चुएट हो जाएगा। क्या कोई ये चीज क्लियर है? ओके। तो बच्चों ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर था? हमारा सेकेंडरी मार्केट के ऊपर था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? कैसा प्लेटफॉर्म, आई रिपीट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में मदद करता है। इसके छह फंक्शन है जो हमने देख लिए। पहला प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, दूसरा प्राइस डिस्कवरी। आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तीसरा क्या था हमारा? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन।
चौथा था हमारा इकोनॉमी ग्रोथ, पांचवा था स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ओनरशिप को एंश्योर करता, और छठा था हमारा स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके अब बच्चों मैं एकदम लास्ट पेज पे शिफ्ट करूंगा इस चैप्टर के, जहां पर हमको ये दो डिफरेंस दे रखे हैं। कौन कौन से डिफरेंस देख रखे हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने प्राइमरी मार्केट डिटेल में पढ़ लिया, सेकेंडरी मार्केट डिटेल में पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट डिटेल में पढ़ लिया, और हमने मनी मार्केट को डिटेल में पढ़ लिया। तो बस ये डिफरेंस बिटवीन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको पढ़ के रखना है और मार्क कर लेना। ध्यान रखना होमवर्क का मतलब ये नहीं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा चुके हैं 4 से 6 मार्क्स में। अब क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इट्स इररिलेवेंट कि मैं इसको फिर से यहां पर रिपीट करवाऊं। तो बस आपके लिए रीड करना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए बच्चों मैं आपको फर्स्ट पेज पर लेके जाता हूं, और जो भी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं उस पर हम टिक लगाते हैं। ये हमारा 8th टॉपिक हो गया। ओके अब इसके बाद मैं टॉपिक नंबर 13 पे टिक लगा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरी तरफ से मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग सा पॉइंट नहीं है। आपको हल्का सा कोई भी क्वेरी आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा कि हाँ भाई कौन सा डिफरेंस बिटवीन आपको दिक्कत आ रहा है। तो 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, ग्रेट। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। अब ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिनना स्टार्ट कर देगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।